स्वागत है दोस्तों एक हमारे नए वीडियो के साथ में। आज हम बात करने वाले हैं रामानंद सागर के जो रामायण का एक सीरियल था उस विषय पर। इस शूटिंग के दौरान में बहुत सारी चीज़ें हुई थी। कुछ जो एक्ट्रेस थे उन्होंने मीट मछली भी खाना छोड़ दिया था रामायण शूटिंग के दौरान, जिसमें दारा सिंह का नाम भी शामिल है। आपको बता देते हैं इस धारावाहिक सीरियल की शूटिंग कैसे होती थी। जब आधुनिक कैमरे नहीं हुआ करते थे, अच्छे स्मार्ट कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, कैसे VFX यूज करते थे। आपको बता दें रामानंद सागर के जो बेटे थे उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि कभी कभार क्या करते थे, वो बादल दिखाने के लिए रुई कैमरे पे चिपकाते थे। और एक चीज आपको बता दें, धुएं के लिए अगरबत्ती का भी इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उतना आधुनिक नहीं हुआ करता था तब ये रामायण की शूटिंग हुआ करती थी। मैं आपको बता देता हूँ, मैं हाल में ही रामायण की जहाँ पे शूटिंग हुई थी उस जगह को मैंने विजिट किया था। उमरगांव के अंदर वृंदावन स्टूडियो है, वहीं पे सारे सीन फिल्माए जाते थे। जिस जगह पे अभी मैं चल रहा हूँ यहाँ पे बहुत सारे मारीच वाला सीन और भी बहुत सारे सीन फिल्माए गए थे, रामायण के अंदर दर्शाए गए थे। ये जो आप यहाँ पे जो सामान पड़ा हुआ देख रहे हैं, ये रामायण के ही जमाने का है। जब शूट हुई थी तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें महाभारत की भी हैं, कुछ रामायण की भी हैं। अभी आप जो ये देख पा रहे हैं ये उमरगांव का वृंदावन स्टूडियो है। मैं अभी उमरगांव स्टूडियो के बाहर ही खड़ा हूँ, आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर ही शूट हुई थी रामानंद सागर का जो धारावाहिक था रामायण, इसी स्टूडियो के अंदर लगभग 90% शूट हुआ था। अभी भी यहाँ पे आपको आर्किटेक्चर मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो अभी पुरानी पड़ी हुई हैं। यहाँ पे अभी बेसिकली और भी सीरियल की शूटिंग होती रहती है। स्वास्तिक वालों का ये स्टूडियो है, यहाँ पे कृष्णा का भी शूटिंग चलता है। और रामायण के शूट के दौरान के कुछ यहाँ पे चीज़ें हैं, कुछ नहीं भी हैं, कुछ हटा दिए गए। मैं जब पहुँचा था तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थीं, लेकिन अभी मैं दोबारा से जब गया था तो वहाँ पे ऐसी कोई चीज़ मुझे नहीं मिली। यहाँ पे शूटिंग का सेट बना हुआ है, देख सकते हो, काफ़ी बेहद ही खूबसूरत है। और आपने मेरे पिछले वीडियो में इसको देखा होगा अच्छे से। यहाँ पे रथ भी रखा हुआ है, बहुत सारी चीज़ें रखी हुई थी, आपको मैंने दिखाया। जब मैं पहुँचा था तो मुझे एंट्री नहीं मिली थी इस स्टूडियो के अंदर, फिर उसके बाद में रिक्वेस्ट करने के बाद में मुझे जैसे तैसे एंट्री मिली। यहाँ पे आप देख रहे हो ये जो सामान पड़ा हुआ है, ये सब टोटल फाइबर प्लास्टिक का है, बेकार हो गया अभी तो। ये रामायण में यूज़ किया जाता था, लेकिन अभी इसकी हालत ऐसी पड़ी हुई है, देख सकते हो दोस्तों। तो रामायण के बारे में आपको बता देते हैं, रामायण रामानंद सागर की जो ऐसी एक धारावाहिक थी जिसपे 3-4 बार रोक लगाई थी, इसमें कुछ सीन कट भी हुए थे, इसको सरकार ने मना कर दिया था चलाने के लिए, इसमें बहुत सारे कटेज हुए थे, फिर उसके बाद में ये रिलीज हुई। हम आपको बता देते हैं ये एक पहला ऐसा धारावाहिक था जिसमें 45 मिनट तक रामायण चलती थी, उसके बाद एज वेल ट्रीटमेंट आता था। जैसा कि आपको पता ही होगा, अगर आप देखेंगे किसी भी धारावाहिक को या किसी भी प्रोग्राम को, 30 मिनट के अंदर एडवर्स ट्रीटमेंट आता था, लेकिन इस धारावाहिक के अंदर 45 मिनट के बाद ही एडवर्स ट्रीटमेंट चलाया जाता था, ऐसा भी मानना है। रामायण भारत का एकमात्र ऐसा सीरियल है जिसको 45 मिनट के लिए चलाया जाता था। आपको बता देते हैं इसको 40 या उससे ज़्यादा से 95% लोगों ने इसे सीरियल समझकर देखा, लेकिन आज ये हकीकत है, ऐसा लगता है कि ये सीरियल था ही नहीं। और एक चीज़ आपको बता देते हैं, यहाँ पर जो ये सामान बिखरा हुआ पड़ा हुआ है सब सेट थे रामायण के, जो शूटिंग के सेट थे ये यहाँ पे बिखरे पड़े हुए हैं। जब मैं गया था तब ये सारे शूटिंग सेट पड़े थे, जब मैं फर्स्ट टाइम गया था। अभी मैं दूसरी बार गया हूँ तो ये सारे शूटिंग के सेट यहाँ से हटा दिए गए हैं, स्टूडियो वाले ने खाली कर दिया सारी जमीन जगह को। रामायण आज भी लोगों के जहन में उसी तरीके के घर बना के बैठी है। आज भी लोग ऐसा नहीं लगता है कि वो काल्पनिक हो, ऐसा लगता है कि हाँ वाकई में यही रामायण है, और जो अरुण गोविल जो राम का किरदार निभाए हैं कि वही राम है। तो मैं जब पहुंचा था तो यहीं पे वो सारे सीन फिल्माए जाते थे। VFX का उतना ज़्यादा यूज नहीं हो पाया जाता था क्योंकि उतना हाईटेक जमाना नहीं था। ये जंगल के लिए भी यहीं पे सीन बनाते थे, जंगल का भी सीन, मारीच व हरण और जितना भी जंगल में आने जाने का रहता था, जितने भी राक्षस मिलते थे सब इसी जंगल में फिल्माया जाता था। अभी हम जिस तरफ से जा रहे हैं आप देख सकते हो ये पूरा जंगल है, और ये वृंदावन स्टूडियो के ही अंदर है।
पूरा यहीं पे सेट बनाया गया था, कोई भी सीन रहना लेना रहता था तो यहीं पे वो सारा सीन शूट कर लेते थे। मारीच वध और मारीच को ढूंढना या फिर वन वनवास को जाना भगवान श्री राम का, तो यहाँ पर ही सारे सीन फिल्माए जाते थे। इसी के बगल में समुद्र का तट का किनारा है, तो जो समुद्र के सीन लेने और रहते थे तो वो भी समुद्र के पास से फिल्माए जाते थे। बेसिकली आपको बता दें बहुत सारी चीज़ों में इसमें भी VFX का यूज़ किया गया है, ग्रीन पर्दे का इस्तेमाल किया गया है, लेकिन उतना हाईटेक नहीं थे, उतने स्मार्ट कंप्यूटर्स नहीं थे, उतने स्मार्ट कैमरास नहीं थे, तब के ज़माने में कैसे शूट होता था, बड़ी सोचने वाली बात है। तो यही है पूरा रामायण का शूटिंग सेट का। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मुझे बेहद ही अच्छा लगा कि मैं अपनी आँखों से खुद देखा जाके कि कहाँ पे रामायण की शूटिंग हुआ करती थी, कैसे शूट हुआ करते थे। तो रामायण के ज़माने की कुछ यहाँ पे ऐसी फ़ोटो दिखाई दे रही हैं, ये दुर्लभ तस्वीरें हैं जो रामायण शूटिंग के दौरान की ली गई हैं, जिसमें आप रामानंद सागर भी बैठे हैं। ग्रीन पर्दे का इस्तेमाल होता था पहले, लेकिन अब ज़माना डेवलपमेंट हो गया है। फिर मैं पहुँचा वृंदावन स्टूडियो से समुद्र के तट पे, जहाँ पे वो सीता की खोज के लिए प्रभु श्री राम जी जाते हैं और माता सीता भी वहीं से निकलती हैं, रावण जब हर के ले जाता है समुद्र पार करके। और यहाँ पर पुल जो बांधने वाला सीन रहता है, जहाँ पर लंका के लिए जाने के लिए पत्थर डालते हैं वानर सेना, तो वो भी यहीं पे फिल्माया जाता है। पूरा ये तट है, जंगल का भी पीछे का सीन दिखाया जाता है। हम आपको बता दें इस तट पे जब हम आए थे तो बहुत दूर तक पानी कम था, क्योंकि आप देख सकते हैं जो समुद्र की लहरें हैं पीछे की ओर चली गई हैं। और जब रामायण शूटिंग के दौरान और पीछे हुआ करती थी, वहाँ पे जो कंकड़ पत्थर दिखते हैं जो वानर सेना लंका जाने के लिए पुल बनाती है, तब वो सीन दिखाई। जिस तरह से समुद्र में सीन फिल्माए जाते थे, आपको बहुत सारे सीन दिखाई दिए होंगे। जब माता सीता का हरण हो जाता है तो प्रभु श्री राम समुद्र से तपस्या करते हैं बैठ के, उनको मनाते हैं, तो काफ़ी सीन समुद्र के किनारे के दिखाई दिए जाते हैं। तो वो समुद्र का किनारा यही था जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी समुद्र के किनारे पे वो फिल्माया जाता था। ये उमरगांव के स्टूडियो के जस्ट बाहर पर है। मुझे वहाँ पे एक अंकल मिले थे जिन्होंने बताया कि जब वो शूटिंग के दौरान वो समोसा वगैरह बेचते थे, उनकी समोसे की दुकान है, तो अंकल से ही पूछते हैं कैसे के यहाँ पे शूट चलता था। कितने लोग थे जब शूट हो रही थी? जब बहुत जाता था हाँ देखने के लिए। अच्छा, वो वानर सेना भी वैसे ही गेटअप गेटअप करते रहते होंगे। बोया डाला, अच्छा ऐसा वाला, हाँ उठा वाला। अच्छा ये हाँ ये जो रखा हुआ है ये इसको बोलते हैं थर्माकोल। थर्माकोल हाँ, थर्माकोल डाला पत्थर। अच्छा, थर्माकोल का पत्थर डाला। थर्माकोल वो तो डूबेगा ही नहीं। अच्छा, और उस पर राम लिखा। हाँ राम लिखा। तुम देखे थे वहाँ से जाके? हाँ, देखे ने। हाँ अच्छा, तो अंकल जी अपना नाम बताओ, क्या है आपका नाम? मेरा नाम छगन कामरे। अच्छा, अंकल जी की जस्ट इसी बीच के सामने दुकान है और यहीं पे वो सेतु वाला सीन लिया गया था। मैंने आपको बताया था कि जो पत्थर राम लिख के डालते थे वो थर्माकोल के पत्थर थे। थर्माकोल का जी। हाँ, अंकल ने अपनी आंखों से देखे वो थर्माकोल के पत्थर थे। लेकिन जब आपने टीवी पे देखी तो कैसा लगा? बहुत अच्छा दिखता है उसमें। और ऐसे आंखों से देखा था? आंखों को मजा नहीं आती है। हाँ। चला जाता है आदमी। हाँ, आदमी चला जाता था। चला जाता है, कोई नहीं दिखता है। कोई नहीं दिखता था। हाँ। कोई बाहर का आता है ना तो थोड़ा टाइम रुकता है। हाँ। ऐसा तो अंकल जी ने बिल्कुल अपनी आंखों से देखा वो पत्थर थर्माकोल का। देखा सब। हाँ, महाभारत भी इधर ही है। तो अंकल जी की जस्ट उस बीच के सामने दुकान है, अगर आप आ रहे हैं तो यहाँ पे चाय नाश्ता करें और समोसा देख रहे हो। ज्यादा खाता था समोसा। समोसा खाते थे बोलो? अच्छा, तो हमें समोसा बहुत बिकता था। बहुत समोसा बिकता था। अभी भी यहाँ पे आते होंगे शूट करने के लिए बहुत सारे लोग। हाँ आता है ना, वो खाने के लिए आता है। हाँ, जैसा कि अंकल ने बताया, अंकल के बताने का तरीका थोड़ा अलग टाइप का है। तो अंकल ने बताया कि यहीं पे वो थर्माकोल के पत्थर बनाए गए थे और वो डाले गए थे, क्योंकि वो रामायण के शूटिंग के दौरान का था। लेकिन आपको ऐसा कतई उसमें नहीं दिखाई देगा कि थर्माकोल के वो पत्थर थे, ऐसा लगता है वो रियल है। और आपको बता दें उस रामायण को बनने में जब जितना समय लगा, आपको बता दें तब ऐसा प्रतीत होता था जो रामायण में जो कलाकार रोल निभा रहे थे कि हाँ वाकई में इस रामायण को बनाने के लिए श्री प्रभु राम ने ही बिल्कुल उनको ऐसे बोला था कि
ऐसा लग रहा था कि कोई दैविक शक्ति आ गई है सभी कलाकारों पर, तो ऐसा प्रतीत ही नहीं हो रहा था कि कहीं से भी ये एक धारावाहिक है। आज भी लोगों के जहन में उसी तरीके से छप गया है कि नहीं, वो कोई धारावाहिक नहीं, वो एक हकीकत में रामायण ही थी। आज भी अरुण गोविल जी को राम के रूप में देखा जाता है। अभी बहुत सारे कलाकार जो हैं हमारे बीच नहीं रहे हैं और बहुत सारे कलाकार अभी हैं। हम आपको बता देते हैं, रामायण के जो ज़्यादातर कलाकार गुजरात साइड के ही थे। मैंने कुछ लोगों के घर भी दिखाए हैं, जिसमें से विभीषण जी का, कुंभकर्ण का, रावण जी का घर मैंने दिखाया था। और भी जो कलाकार हैं वो गुजरात के ही थे। कुछ लोगों के घर पता पड़े, कुछ लोगों के घर नहीं पता पड़े। आप देख सकते हैं, यही वो समुद्र का किनारा जहाँ पर रामायण की शूटिंग हुआ करती थी, रामानंद सागर के जो धारावाहिक था उसकी। आपको बता देते, रामायण के टोटल 70 एपिसोड थे और लॉकडाउन में दोबारा से उसको रिलीज किया गया था, जो कि फिर से एक बार पॉपुलर हुई थी वो धारावाहिक। रामानंद सागर ने एक ऐसी धारावाहिक का निर्माण कर दिया है जैसे कोई ना मिटा सकता है, ना कोई उसे छुपा सकता है। रामायण अपने जमाने का बेहद ही लोकप्रिय धारावाहिक हुआ करता था, जो कि आज भी 2023 में भी लोग उसे देखा करते हैं। मैं जब समुद्र के किनारे गया और उनमें पत्थरों की वजह से मेरे पैर कट गए थे, तो मेरे साथ एक छोटा सा हादसा भी हो गया था। जब मैं समुद्र के किनारे वीडियो शूट करने के लिए उन पत्थरों में गया, जैसा कि देख पा रहे हैं, इन पत्थरों में एक जंग जैसी लगी रहती है, जो वाइट वाइट कलर की, इसमें धारदार नुकीले हो जाते हैं। उसके बाद में ये आपको चोट आ जाएगी। आप विशेष ध्यान दें, इन पत्थरों में ना घुसें, क्योंकि मुझे भागना पड़ा था, लहर की स्पीड तेज आ गई थी, तो मुझे अपने कैमरे भी बसाने थे, तो इस वजह से मुझे ये चोट आ गई थी। तो रामायण की शूटिंग ऐसे ही होती थी यहाँ पर, जिस जगह पे मैं समुद्र के तट पे हूँ। अगर मुझे चोट आ गई है तो शूटिंग के दौरान कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा उन कलाकारों को। जब मैं एक सीन फिल्माने के लिए जब मैं गया था, रामायण का सीन था जहाँ पे माता सीता वनवास के दौरान एक नदी को पार करती हैं केवट के साथ में, तो लक्ष्मण जी ने कहा था, बताया था अपने ट्विटर के माध्यम से, कि जब मैं शूट करता था तो उन पत्थरों पर इतनी ज़्यादा गर्मी गर्म की वजह से छाले पड़ जाते थे हमारे पैरों में। ये बात लक्ष्मण जी ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखी थी। और जब ये भी सीन गुजरात के अंदर फिल्माया गया था, ये सारे वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिल जाएंगे। अगर आपको वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर विजिट करें। आपको आज का वीडियो, छोटा सा वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप रामायण की शूटिंग कहाँ पे हुई, कैसे हुई, जाना चाहते हैं देखने के लिए, तो आपको जाना रहेगा सबसे पहले गुजरात। गुजरात राज्य के एक शहर है, छोटा सा उमरगांव। उमरगांव में स्टूडियो है वृंदावन। वृंदावन स्टूडियो में जाने के लिए आपको वहाँ पे जो सिक्योरिटी वाले रहते हैं वहाँ पे आपको परमिशन लेनी रहेगी, उसके बाद आप अंदर जा सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। तब तक हमारा प्यार भरा नमस्कार। वंदे मातरम। जय हिंद।